चंद घंटों बाद पाकिस्तान धधकने वाला है। सिर्फ कुछ घंटों में पाकिस्तान में धमाका होने वाला है और यह धमाका करेंगे जेल में बैठे इमरान खान। कल यानी 18 अक्टूबर को इमरान के समर्थक पूरे मुल्क को बंधक बनाने के लिए सड़कों पर उतरेंगे। इरादा है इमरान खान को जेल से रिहा करवाने का। दावा तो यह भी है कि इमरान की फौज उस जेल में भी धावा बोलेगी जहां इमरान बंद है। लेकिन कल के धमाके से पहले पाकिस्तान आज से ही सुलगने लगा। रावलपिंडी की सड़कें जंग का मैदान क्यों बन गई? कल इस्लामाबाद में क्या कोहराम मचने वाला है? सब कुछ देखिए इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान में फिर से गोली चल गई। पाकिस्तान में फिर से आग लग गई। रावलपिंडी में आज झांकी है, जुम्मे को असल खेल बाकी है। लेकिन नमाज के बाद पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह 18 अक्टूबर को हर जिले के अंदर, हर शहर के अंदर आप उनको मार लें, आप उनको जेलों में डाल दें, आप उनकी खालें उधाड़ लें, वो फिर आएंगे। अगर ये आग जलती रही फस्तायत की तो ये बहुत तबाही करेगी। इस मुल्क में इस वक्त जो निज़ाम नाफिज है उसमें ना माएं, ना बेटियां, ना बहनें महफूज हैं। तारीख निकल आई, 18 अक्टूबर को पाकिस्तान में फिर से छिड़ेगी बड़ी लड़ाई। याद रखें, अगर इमरान खान के एक बाल को भी कोई तकलीफ पहुंचाई गई, आप पाकिस्तान में आग लगाने के जिम्मेदार होंगे और आपको कोई नहीं छोड़ेगा, ये याद रखें। इमरान का काम तमाम करेगा शरीफ खानदान। मैं आखिर तक जाऊंगी और जो जो इसमें इन्वॉल्व है और ये रिवायत डालने में उनको मैं छोड़ूंगी। इस्लामाबाद से SCO का तंबू जैसे ही उखड़ा, पड़ोसी शहर रावलपिंडी में मैदाने जंग खुल गया। पाकिस्तानी फौज के हेडक्वार्टर रावलपिंडी की सुरक्षा के लिए खुद फौज लगानी पड़ गई। पाकिस्तानी फौज और पुलिस ने जब मोर्चा संभाला तो बागी हुए छात्रों को चुन चुन कर मारा, बंदूक से निशाना लगा कर मारा। जान हथेली पर लेकर पाकिस्तान के छात्रों ने वर्दीधारियों पर सीधे हमला बोल दिया। शदीद शेलिंग हो रही है यहाँ पे स्टूडेंट्स पे। ये स्टूडेंट्स ने पूरा रोड ब्लॉक किया भाई का सारा, इसलिए पूरा पिंडी स्टम ब्लॉक है। यहाँ शेल आ चुकी है, शदीद शेलिंग हो रही है। शदीद इमरान खान की पार्टी उन्हें जेल से रिहा कराने के लिए कैंपेन चला रही है। पिछले साल इमरान के घर पर हुई शेलिंग के पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल करवा रही है और इसके लिए शुक्रवार 18 अक्टूबर को पूरे पाकिस्तान को सिर के बल खड़ा कर देने के लिए तैयार है। लेकिन उससे एक दिन पहले ही छात्रों के बवाल के बहाने इमरान और उनकी पार्टी को पूरे पाकिस्तान में आग लगाने के लिए जरूरी पेट्रोल हाथ लग गया। कल इंशाल्लाह जुमे के दिन, जुमे की नमाज के बाद पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह 18 अक्टूबर को हर जिले के अंदर, हर शहर के अंदर आप लोगों ने भरपूर तरीके से निकलना है और आप लोगों ने पुरमन एहतजाज करना है और इमरान खान की रिहाई, हमारे बाकी लीडरशिप की, हमारे वर्कर्स की, हमारे लोगों की रिहाई और इमरान खान साहब के साथ जो एक रवैया इख्तियार किया हुआ है कि मुलाकात तक नहीं छोड़ी जा रही, कि अगर हम लोगों ने अपने मुल्क के लिए, अपनी आने वाली नस्ल के लिए आवाज़ ना उठाई तो शायद जिन हालात से हम गुजरे या जिन हालात से हम गुजर रहे हैं हमारी नस्लें इससे भी बदतर हालात से गुजरे। 14-15 अक्टूबर को छात्रों का बवाल लाहौर से शुरू हुआ, 17 अक्टूबर को ये बवाल रावलपिंडी तक पहुंच गया और 18 अक्टूबर को इमरान की पार्टी फिर से सड़कों पर उतरेगी। यानी पाकिस्तान में भड़की ये आग बुझने वाली नहीं है। इमरान और उनके समर्थक छात्रों की आड़ में इस आग को पाकिस्तान के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए सिर पर कफन बांधकर तैयार हैं। इस वक्त मुल्क में माशाल्लाह से बुरे हालात हैं। हमारे सेनेटर्स को, हमारे कौमी असेंबली के अराकीन को और हमारे कायदीन और कारकुनान को
हसास अदारे, सिक्योरिटी एजेंसीज, ISI, MI और दूसरी एजेंसीज की तरफ से हरासा भी किया जा रहा है, अगवा किया जा रहा है और इससे बढ़ के उनके घर की खवातीन, उनको अगवा किया जा रहा है। तो पाकिस्तान की फसाइत की तारीख में बड़े बड़े अंधेरे वाले और तारीख दौर देखे हैं, लेकिन इससे बेशर्म और इससे घटिया दौर शायद ही कभी देखा गया हो। हमने, पूरी पार्टी ने मुल्क गीर एहतजाज की कॉल दी है जुम्मे के रोज। अगर ये आग जलती रही फसाइत की तो ये एक एक करके हम सबको जलाएगी, और जिस तरह पूरे पाकिस्तान को जला रही है तो ये बहुत तबाही करेगी। लेकिन जुम्मे के बाद कोई पाकिस्तानी अपने घर ना बैठे, सब ने बाहर निकल। पाकिस्तानी छात्रों के भड़कने की वजह एक तथाकथित रेप केस है। लाहौर के कॉलेज में एक छात्रा से रेप की खबर फैली, जिसके बाद लाहौर में छात्रों के विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। इमरान की पार्टी ने छात्रों के प्रदर्शन को अपना समर्थन दे दिया और सोशल मीडिया के जरिए पूरे पाकिस्तान में विरोध प्रदर्शन की आग फैल गई। छात्रों के जत्थों के जत्थे सड़क पर उतर आए और पंजाब में मरियम नवाज सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए। जवाब में मरियम नवाज की पुलिस भी छात्रों पर टूट पड़ी और उसके कहर की जद में इमरान खान के कार्यकर्ता भी आ गए। भाग ली थी और पुलिस ने मुझे अरेस्ट कर लिया, ले आए। मैं प्रोटेस्ट कर रही थी, मेरा राइट था कि मैं प्रोटेस्ट करूं, इसलिए प्रोटेस्ट कर रही थी और वहां से मुझे अरेस्ट कर लिया गया। मैं भागी इसलिए थी कि मेरे पीछे से आवाजें आ रही थी, पकड़ो इसको और इसके सर में डंडा मारो, पकड़ो इसको लाल बालों वाली को, ये वो इस तरह की बातें चल रही थी। मैं पूछना ये चाहती हूँ इस सिस्टम से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की औरत इतनी इतनी बड़ी दहशत गर्द है कि उसकी आंखों पर पट्टी बांध के रखी जाए, उसको मेल हजरात उसको धक्के दे रहे हैं, उसको थप्पड़ मार रहे हैं। मेरा कसूर ये है कि मैं इमरान खान को सपोर्ट करती हूँ, मेरा कसूर ये था कि अपने हक के लिए मैं प्रोटेस्ट के लिए निकली हूँ, ये कसूर था मेरा। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर होना इतना बड़ा जुर्म है कि हमें हमारे हमें अरेस्ट करके हमारे साथ ये सब किया जाए? इमरान खान की पार्टी के लिए तो जैसे मुंह मांगी मुराद पूरी हो गई। शरीफ खानदान के खिलाफ लोगों को भड़काने के लिए सबसे बड़ा हथियार हाथ लग गया, क्योंकि प्रदर्शन के ठीक एक दिन पहले जानी दुश्मन मरियम नवाज की पुलिस ने टारगेट ले लेकर गोलियां जो बरसा दी। छतों पर चढ़कर छात्रों को निशाना बनाया, गोलियां भी चलाई और आंसू गैस के गोले भी ऊपर से नीचे फेंके। सामने खड़े होकर टीयर गैस के शेल छात्रों की ओर फायर किए। इसके साथ ही साथ पाकिस्तानी पंजाब की सीएम मरियम नवाज ने कॉलेज की कुछ छात्राओं को बिठाकर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी कि रेप केस सरासर झूठा है और वो इस साजिश का ठीकरा इमरान की पार्टी पर फोड़ रही हैं। जाहिर है बदला पूरा करने की वजहें उन्हें भी मिल गई हैं। जो जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और पीटीआई के जो पेड सहाफी, जो अपने आप को सहाफी कहते हैं, जिसमें वो लोग शामिल हैं जो अभी जेल काट के आए अपनी झूठ की पादाश में लेकिन बाज नहीं आते, उन्होंने कहा कि दूध पिलाते पिलाते ये खून खून पिला दिया, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये दिस इज कॉल्ड इंस्टिगेशन, दिस इज कॉल्ड इंसाइटिंग टू म्यूटनी। ये मुझे ये बताएं ना कि ये इंसाइट कर रहे हैं, ये किस चीज़ के ऊपर इंसाइट कर रहे हैं? वो वाकया जो हुआ ही नहीं, और बच्चों को, स्टूडेंट्स को बता रहे ईंधन इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो स्टूडेंट्स को अगर खुदा न खास्ता वो कल को किसी मुश्किल में आ जाते तो कौन है उनको बचाने वाला? ये स्टूडेंट जो यूज़ हुई है, जिसकी इन्होंने वीडियो को एडिट किया और उसको कहा है कि बोलो बोलो, ये आपके पास बैठी हुई है, वो कह रही है कि इन बच्चों के पीछे कोई है जो उनको प्रोवोक कर रहा है। मैं आखिर तक जाऊंगी और जो जो इसमें इन्वॉल्व है उस बच्ची को बदनाम करने में और ये रिवायत डालने में, उनको मैं छोड़ूंगी। मरियम भले ही इमरान को ना छोड़ने की कसम खा रही हो, लेकिन फिलहाल पलड़ा तो इमरान का भारी है, क्योंकि उनके भड़काने पर पाकिस्तानी छात्र पुलिस पर पत्थर बरसा रहे हैं। उनके भड़काने पर छात्र पुलिस की गाड़ियां फूंक रहे हैं और आग लगाने के लिए इमरान की पार्टी ये नैरेटिव भी फैला रही है कि उनके नेताओं के घर की महिलाओं को अगवा किया जा रहा है। मैं सिर्फ ये खबर देना चाहती हूं कि आज रात 10:30 बजे के करीब
लाहौर में हमारे घर के बाहर से मेरी भाभी जो कि ज़ैन हुसैन कुरैशी की अहलिया है उन्हें अगवा कर लिया गया है नामालूम अफराद ने। 3 गाड़ियों में वो आए थे, उन्होंने गाड़ी का पीछा किया, गाड़ी को रोका और ज़ोर और जबर के इस्तेमाल से वो उन्हें उठाकर ले गए। सबसे ज़्यादा हैरत की बात ये है कि ये वाक़या जो वज़ीर दाखला हैं मोहसिन नकवी साहब उनके घर से कुछ चंद गज़ के फासले की दूरी पर पेश आया है। इस मुल्क में इस वक्त जो निज़ाम नाफिज़ है उसमें ना माएँ ना बेटियाँ ना बहनें महफूज हैं। इमरान खान को रिहा करवाने के लिए 2 हफ्ते से पाकिस्तान में प्रदर्शन हो रहे हैं। लाहौर और रावलपिंडी में पीटीआई कार्यकर्ता पहले ही बवाल कर चुके हैं। 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद पर धावा बोलने की तैयारी थी लेकिन एससीओ बैठक के दौरान इस्लामाबाद लॉकडाउन कर दिया गया था, इसलिए अब 18 अक्टूबर को जंग का ऐलान किया गया है। कहा जा रहा है कि जेल में इमरान खान को अलग थलग कर दिया गया है और डॉक्टर से भी नहीं मिलने दिया जा रहा। पिछले 7-8 दिनों से खान साहब से किसी की मुलाकात नहीं हुई, किसी को नहीं पता कि वो किस हाल में हैं। कोई डॉक्टर नहीं उनसे मिलने जा सकता, कोई पार्टी वाले रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं उनसे मिल सकते। उनकी बहन जो नौरीन खान है उनको मिलने की इजाज़त नहीं दी, उन्होंने कल कोर्ट में पिटिशन की थी, वो भी उस पिटिशन को भी उन्होंने मुस्तरद कर दिया। तो एक वाजी बात नज़र आ रही है कि ये खान साहब से कॉन्टैक्ट ख़त्म करना चाह रहे हैं, वो चाहते हैं कि खान साहब का कोई पैगाम ना बाहर आए। और ये एक हम सबके लिए एक खौफनाक बात है, हमारे हम सब के लिए ये एक परेशानी की बात है कि ऐसा क्या है कि वो खान साहब का पैगाम बाहर नहीं आने देना चाहते। जिस मुल्क की आवाम इतनी ज़्यादा नाखुश हो, जिस मुल्क की आवाम के हकूक़ के ऊपर डाके डाले जा रहे हों, वो मुल्क कभी तरक्की भी नहीं कर सकता और उस मुल्क में कभी पीस भी नहीं आ सकता। आप उनको मार लें, आप उनको जेलों में डाल दें, आप उनकी खालें उधार लें, वो आप उनको मोमेंटरली आप लोगों को घबरा जरूर देंगे लेकिन वो फिर आएंगे। मरियम नवाज खुश हैं कि छात्रों के प्रदर्शन के बहाने उन्हें इमरान को और भी कायदे से ठिकाने लगाने की एक और वजह मिल गई। उधर इमरान खान भी खुश हैं कि छात्रों के बवाल के बहाने उन्हें सरकार और फौज पर टूट पड़ने की एक और वजह मिल गई और ये उम्मीद भी मिल गई कि शायद शरीफ सरकार गिर जाए, शायद पाकिस्तान में ऊपर से नीचे तक आग लग जाए और शायद वो जेल से रिहा हो जाएं। हमारी एक डिमांड है इस हकूमत वक्त से, जो फॉर्म 47 की हकूमत है, इमरान खान को उनकी बहन, इमरान खान को उनके वकील, इमरान खान को उनकी डॉक्टर की रसाई की जाए, हमारे तमाम मुतालबात पूरे किए जाए, हमारे शक और शकूक दूर किए जाएं, वरना हम मजबूर होंगे, हम अडियाला चौक की तरफ आएंगे। हमें लीडरशिप ने कोई कॉल नहीं दी है लेकिन अब वर्कर थक गया, वर्कर किसी के कोई नहीं मानेगा, हम खुद निकलेंगे अडियाला सामने के सामने, अडियाला जेल के सामने मार्च करेंगे, हम उधर धरना देंगे और फिर देखी जाएगी। लेकिन ये याद रखें, अगर इमरान खान के एक बाल को भी कोई तकलीफ पहुँचाई गई, ये आवाम फिर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जिम्मेदार हम नहीं है, जिम्मेदार ये फॉर्म 47 की हुकूमत, शहबाज शरीफ, जरदारी, मरियम नवाज, ये सारे चोर, ये ECP वाले, ये सारे जज, आप पाकिस्तान में आग लगाने के जिम्मेदार होंगे और आपको कोई नहीं छोड़ेगा, ये याद रखें। ये तस्वीरें करीब हफ्ते भर पहले की हैं जब इमरान की फौज के सामने शरीफ की पूरी फौज रावलपिंडी की सड़क पर उतर आई थी। सड़कें जंग का मैदान बन गई थी और लग रहा था मानो पाकिस्तान आपस में ही लड़ मरेगा। और ये तस्वीरें चंद घंटे पहले उसी रावलपिंडी की हैं जो राजधानी इस्लामाबाद से सटा हुआ ट्विन सिटी है। चंद घंटों पहले दुनिया भर के देशों के नेता यहां से रवाना हुए थे और फिर से जंग वाला वही सीन रिपीट हो गया। सड़कों पर आग धधक रही है, आमने सामने गोले दागे जा रहे हैं, छतों पर खड़े होकर पाकिस्तान के वर्दीधारी अपने ही लोगों को निशाना बना रहे हैं, गोलियां बरसा रहे हैं। इसकी टाइमिंग बड़ी खतरनाक है। ये एक बहुत बड़ी स्कीम थी आपकी, एक बहुत बड़ी सियासी पार्टी की, कि जिस वक्त SEO हो रही हो उस वक्त इस तरह का हंगामा किया जाए। हालांकि वो बच्ची नहीं मिली, ना CCTV, उसका कोई प्रूफ नहीं, लेकिन उसको एक बहुत बड़ी खबर बना के बच्चों को सड़कों पर ले आया। आप कहते हैं कि जिहाद करना है, ये सियासत नहीं जिहाद है। जजों का टारगेट भी यही है कि ये सियासत नहीं, ये जिहाद है। आपकी एस्टेब्लिशमेंट में भी इसी तरह की तोड़फोड़ है। तो
आपकी डेस्टिनेशन क्या है, आप बनना क्या चाहते हैं? ये वो खान साहब हैं जब तालिबान आए थे तो इन्होंने कहा था अल्लाह ताला की मेहरबानी हो गई है कि तालिबान आ गए हैं, और ये वो तालिबान हैं जिन्होंने बच्चियों की तालीम बंद कर दी थी, कर दी है। लेकिन इमरान खान का असल खेल तो अभी बाकी है जो चंद घंटे बाद सामने आ जाएगा। इमरान खान ने कसम ली थी कि अगर प्रधानमंत्री नहीं बने तो पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। मुझे समझ नहीं आती कि ये जो हमारे पार्लियामेंट में लोग बैठे हुए हैं, ये जो हमारी गवर्नमेंट है, ये किसकी सर्विस में काम कर रही है, किसकी सर्विस में? अपनी आवाम को तो ये डंडे मार रहे हैं, फिर ये कहते हैं कि हमारे मुल्क का इमेज जो है वो खराब हो गया, FIR पे FIR होगी, 50 से ज्यादा FIR बना दिए। भाई किस वजह से? एहतजाज करना तो लोगों का बुनियादी हक है, आप FIR पे FIR करके लोगों को जेल भरे जा रहे हैं, ये आपके लोग हैं, ये किसी और मुल्क के लोग नहीं है। और अब कुछ ना कुछ होना पड़ेगा क्योंकि इस तरह ये मुल्क आगे चल नहीं सकता। भले ही इमरान साल भर से जेल में है लेकिन वो अपनी कसम पूरी करने में जुटे हैं। पाकिस्तान की सड़कें गवाह हैं कि इमरान खान अपनी मंजिल के बेहद करीब हैं।